हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब भी मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तुलसी के प्लांट को हम तुरंत हरा भरा कैसे करें? दो दिन में हमारी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। तुलसी प्लांट की केयर टिप्स क्या है, क्या हम इसमें जो फर्टिलाइजर है वो दें और क्या ट्रीटमेंट करें, इसका ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले जितने भी हमारे बीट्स लगे हुए हैं या पत्ते खरपतवार इसमें लगे हुए हैं तो वो सारे हमने रिमूव करने हैं। वो मिट्टी की हमने सफाई करनी है। सफाई करने के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा रहेगा, वो पूरी तरह जो हमारी ब्रांचेज हैं अगर वो सूख गई हैं तो उनको हमने हटाना है, जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेज हैं। और हमने चेक करना है अपने नाखून की मदद से कि हमारी जो ब्रांच है वो कहाँ तक सूखी हुई है और कहाँ तक नहीं सूखी हुई है, तो हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद जहाँ तक हमारी ब्रांच सूखी है वहां तक हम कट करेंगे और उसके बाद हमने हमारा ग्रीन पार्ट है वो हमने रहने देना है। पूरी तरह सूखी हुई तुलसी के पौधे को हम हरा भरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो जड़े हो नीचे से ही डेड हो चुका है। जो हमारे ऐसे सूखा हुआ लेकिन ब्रांचेस उनकी हरी है उन्हीं को हम रखेंगे, बाकी ब्रांचेस को हम रिमूव करेंगे। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा आप काट करके नीचे की तरफ आएंगे तो जहां आपका ग्रीन पार्ट है वहां तक आप कट करेंगे, बाकी सारी ब्रांचेस को आप रहने देंगे जो ग्रीन पार्ट वाली ब्रांचेस है। ये देखिए ये सूख चुका है नीचे की तरफ जहां से हमने कट किया है तो वहां, और ये भी ब्रांच सूख चुकी है। तो ऐसे हमारी जितनी भी डेड ब्रांचेस है वो सारी रिमूव करनी है, ग्रीन को ही हमने रखना है। बहुत बारीक सी ब्रांचेस है वो भी हमने हटानी है, वो भी नहीं रखनी है। ये देखिए मेरा ग्रीन पार्ट है, थोड़ा ऊपर करके मैं इसको कट कर रही हूँ। तुलसी के पौधे को फुल सनलाइट में रखिए, अपने प्लांट को इसमें पानी है बहुत ही कम देना है, ज्यादा पानी नहीं देना। इसकी बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं, अगर ज्यादा पानी हो जाए प्लांट में तो रूट रॉट हो सकता है, इसीलिए पानी का विशेष ध्यान दे। मिट्टी इसके बेल ड्रेन बनाए जिससे ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा रहे, पानी रुकने की जो समस्या है वो ना हो, तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और साथ में पानी तभी द्वारा दे जब मिट्टी इसकी 2-3 इंच की सूख जाए। खाद इसके लिए आप जो भी काउडंग कंपोस्ट, बर्मिंग कंपोस्ट है या लीफ कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, ये डाल सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरा ये जो बड़ा है जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ पूरा मेरा खराब हो गया, तो इसीलिए इसको मैंने हटा देना। अगर ऐसे आपके प्लांट खराब हो चुका है, जड़े सूख गई है, पूरा ही प्लांट आपका डेड हो गया है, तो उसको आपने हटा देना है। फर्टिलाइजर तो अपने प्लांट में अगर महीने में भी एक बार आप देते मिट्टी के अंदर, ऊपर से मिट्टी से उसको दबा दे, तो ओपन हमने खाद नहीं डालनी है। आपने अपने प्लांट की ऊपर से स्टेम काटनी है, बीच से स्टेम नहीं काटनी। ऊपर से अगर आप काटते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ग्रीन पार्ट कहाँ पे है प्लांट का, तो ऐसे ऊपर से टॉप से आप काटते काटते नीचे आ जाइए। अब आप देखेंगे कि मेरा ये ग्रीन पार्ट है, इसका मतलब है जो नीचे का पोर्शन है आपका जो प्लांट का है वो हेल्दी है और वहां से न्यू ग्रोथ हो सकती है। तो हमारी सूखी ब्रांचें हमने निकालनी है, अगर हम सूखी ब्रांचें नहीं निकालते हैं तो हमारा प्लांट है नीचे तक सूखता ही चला जाएगा और हमारा प्लांट है बिल्कुल खत्म ही जो हो जाएगा, पूरी तरह सूख जाएगा। तो हमने ये ग्रीन पार्ट तक इसको काटना, वहां से हम जो कट करते हैं तो हमारा ग्रो वहां से न्यू हो जाएगा। तो ये सही तरीका है, ऐसे करके अपने प्लांट की प्रोनिंग कीजिए, डेड हेडिंग कीजिए, ट्रिमिंग कीजिए और हार्ड प्रोनिंग भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप फर्टिलाइजर जब देंगे, हल्की सी आप गुड़ाई करेंगे और फर्टिलाइजर देंगे, फंगीसाइड देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट फुल सनलाइट में रखिए और दोबारा से आपका प्लांट है हरा भरा हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे होल करना अपने फर्टिलाइजर देने के लिए, जड़ों से दूर आपने फर्टिलाइजर देना है, तो ऐसे करके आप होल कीजिए, मिट्टी को थोड़ा सा आप साइड कीजिए और फिर आप अपने प्लांट में दे दीजिए। अब मैं ये बो डैश दे रही हूँ, बो डैश प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, आप जो है वो हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो बो डैश में हल्की सी डाल रही, ज्यादा बो डैश हमने नहीं डाला, करीब 1 चम्मच ये बो डैश है और ये 12 इंच का मेरा ये पॉट है, तो इसमें मैं ये बो डैश डाल रही। साथ में 2-3 साल पुरानी मैं गोबर की सड़ी हुई खाद डाल रही हूँ। तो हम अपने प्लांट में खाद तो डालते ही रहते हैं, तो ज्यादा खाद हम नहीं देंगे, ये बहुत है, करीब 4-5 मुट्ठी हम बहुत खाद है इसके लिए। तो ऐसे करके अपने खाद देनी है। अगर आप इसकी रिपोटिंग करना चाहते, नई मिट्टी में डालना चाहते तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं, ये अच्छा मौसम है। प्लांट को रिपोटिंग करने के लिए कम्पोस्ट और खाद आधा आधा परसेंट आप डाल दीजिए, साथ में आप जो रिवर सैंड और कोकोपीट डाल सकते हैं, उससे आपके प्लांट की ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके मिट्टी को हम
बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे और खाद हमारी सनलाइट में नहीं आनी चाहिए और ये खाद हमारा अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देगी। तो हमें इसको मिट्टी के अंदर ही डालना है, जितनी भी ऑर्गेनिक खाद है तो हमें ऊपर नहीं डालना है। तो ऐसे करके ये अंदर नमी रहेगी, नमी रहना इस खाद के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये अच्छा काम करेगी। तो इसके बाद आप सिंपल पानी का यूज़ कर सकते हैं इसमें देने के लिए, लेकिन मैं सिंपल पानी का यूज़ नहीं कर रही, किचन बेस्ड कंपोस्ट का मैंने बनाया। इसको 6 महीने लगते हैं बढ़ने के लिए और ये हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं देता है। बहुत ही अच्छा डिकम्पोज होके ये तैयार हुआ है, बहुत ही काला पानी है, देखिए आप, ये बहुत ही अच्छी खाद है, ये हमारे किचन के ही कंपोस्ट से तैयार हुई है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसको इसको बना के रख सकते हैं, पूरी गर्मी में इसका अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ठंडी खाद है ये। तो देखिए ये मैं 1 लीटर में दे रही हूँ, 200-300 ml, तो इसके साथ में अब इसको डाल दूंगी, तो बहुत ही अच्छी ये हमारे प्लांट के लिए ये खाद है और बहुत अच्छा हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट में कितने 5-6 दिन में ही हमारे प्लांट में जो न्यू ग्रोथ है वो शुरू हुई, उसका ट्रीटमेंट मैंने सेम ऐसे किया है, तो ऐसे करके ग्रोथ शुरू होगी ये प्लांट की, ये देखिए। तो अगर आप ऐसे अपने प्लांट की केयर करते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र देते, किचन बेस्ड का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं अपने घर में ऑर्गेनिक, तो किसी भी प्लांट के लिए, अगर आप किचन गार्डनिंग भी करते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छी खाद है। भीषण से भीषण गर्मी में आप इस खाद का यूज़ कर कीजिए, तो बहुत ही अच्छी ठंडी खाद है। अब हमने इसको फर्टिलाइज़र और पानी दे दिया है। फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार दे सकते हैं, 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। अब पानी तभी देना जब 2 इंच की मिट्टी सूख जाए, तब तक आपने पानी नहीं देना है। फुल सनलाइट में रखना है इसको, शेडी एरिया में बिल्कुल ना रखिए, फुल सनलाइट में रखिए और ऐसे करके अपने प्लांट की ग्रोथ कीजिए। अब ये मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये है, 5-6 दिन के बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस प्लांट का मैंने ऐसे ट्रीटमेंट किया है, ये देखिए इसकी प्रूनिंग की है मैंने और इसकी डेड हेडिंग की है, तो सारी सूखी ब्रांचें हटा दी, इसका ट्रीटमेंट भी मैंने ऐसे किया है, सभी की ये हरी ब्रांचेज हैं, तो दोबारा से ग्रोथ इसकी शुरू होगी। ये देखिए ये हरी ब्रांच है इसकी। तो ऐसे करके अपने प्लांट की केयर कीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, जब भी नीचे जो मंजरी होती है मंजरी इसकी हटा दीजिए, मंजरी को आप बिल्कुल ना रखिए, मंजरी की वजह से प्लांट में बहुत सारा बोझ होता है और हमारा प्लांट है वो सूख जाता है, जल्दी बीज बनते हैं, तो मंजरी को आप हटा दीजिए और आपका प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा और कई साल तक इस प्लांट को आप चलाते रहेंगे। तो इसकी मिट्टी में अगर नमी बन के रहती है, लेकिन पानी रुकने की समस्या नहीं होनी चाहिए, बरसात में इसका पानी ड्रेनेज सिस्टम में बहुत अच्छा रहना चाहिए, ऐसी मिट्टी आप तैयार करें और आप देखेंगे आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और सालों साल आपका प्लांट ऐसे ही रहेगा, आपका प्लांट कभी नहीं सूखेगा। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय एवरीवन।